हाजरा न्यूज के स्टार्टिंग में जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी की टीम बिल्कुल बेबस काफी कमजोर टीम दिखाई दे रही थी, लगातार एक मैच के बाद एक मैच में हार मिलती जा रही थी, लेकिन उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने की थी जबरदस्त वापसी आईपीएल 2019 के बीच में और जीते थे लगातार 3 मुकाबले, लेकिन यहाँ पर फाइनली एक और मुकाबले में हार मिल चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को। तो क्या इस हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आईपीएल 2019 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं, क्या बचा है कोई रास्ता आईपीएल 2019 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए आरसीबी यानी कि विराट कोहली की टीम के पास। दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में कि क्या है पूरा माजरा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस टाइम पर आईपीएल 2019 का माहौल काफी ज्यादा गर्म चल रहा है, जहां सभी टीम आईपीएल 2019 के प्लेऑफ के क्वालिफाई करने में लगी हुई है, तो वहीं कुछ ऐसी भी टीम है जो आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, तो वहीं कुछ ऐसी भी टीम है जो आईपीएल 2019 के प्लेऑफ की रेस में लगी हुई है, तो वहीं कुछ ऐसी भी टीम निकलकर सामने आ चुकी है जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी और आईपीएल के तगड़े वाले फैन हैं तो कर दीजिए अभी इस वीडियो को सबसे पहले लाइक। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है इनसाइड एज फैंटेसी ऐप, जो कि कमाल का ऐप है। दोस्तों ये प्ले स्टोर पे बिल्कुल नई फैंटेसी ऐप है, आप इसमें मिनिमम 100 रुपये का विड्रॉल करवा सकते हैं, जो कि आप अपने पेटीएम में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं सिर्फ 2 घंटे के अंदर। इसमें आपको कोई भी क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसमें मनचाहे खिलाड़ी को चूज करके अपनी टीम बनाकर खेल सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है, हालांकि आरसीबी की टीम इस बार आईपीएल 2019 में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है और आईपीएल 2019 में इनका बैड लक भी रहा है कहीं ना कहीं इनके साथ, जहां आरसीबी की टीम को स्टार्टिंग में ही काफी तगड़ा झटका लग चुका था जो कि नथन कल्टरनाल इंजरी की वजह से आईपीएल 2019 के पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। हालांकि इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर स्टार्टिंग में किसी भी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया गया था और बीच आईपीएल में टीम में सिर्फ डेल स्टेन को शामिल किया गया था, वो भी सिर्फ 2 मैच खेलकर बाहर हो गए थे जो कि उन्हें शोल्डर इंजरी हो गई थी। तो इसके बाद जब मोइन अली जबरदस्त ऑलराउंडर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे थे तो बीच आईपीएल में ही उन्हें अपने कंट्री यानी कि अपने देश वापस जाना पड़ा अपने नेशनल ड्यूटी की वजह से, और कहीं ना कहीं आरसीबी के इतने सारे हार की वजह उनका बैड लक भी रहा है। अब अगर हम बात करें कि आईपीएल 2019 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी आरसीबी की टीम यहां से या फिर नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरसीबी की टीम अभी तक आईपीएल 2019 में टोटल 12 मैच खेल चुकी है, जहां 12 मुकाबलों में से सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत मिली है तो वहीं 8 मुकाबलों में हार मिली है। फिलहाल आईपीएल 2019 के पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान यानी कि सबसे नीचे है और टोटल 8 पॉइंट्स हैं और यहां से आरसीबी के 2 मुकाबले और बाकी हैं। अगर लगातार 2 के 2 मुकाबले जीत भी जाती है तब भी आरसीबी के टोटल 12 पॉइंट्स होते हैं और ये 12 पॉइंट्स प्लेऑफ में पहुंचने के लिए काफी नहीं है किसी भी टीम के लिए। तो ऐसे में ऑफिशियली आरसीबी की टीम आईपीएल 2019 के प्लेऑफ से बाहर हो गई है, यानी कि अब यहां से आरसीबी की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी आईपीएल 2019 के प्लेऑफ के लिए। लेकिन दोस्तों जहां आरसीबी की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है तो वहीं आईपीएल 2019 के प्लेऑफ के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, यानी कि ये दोनों ही टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि आरसीबी की टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर जो कि मार्कस स्टोनिस ये भी 1 मई को अपनी कंट्री वापस लौट जाएंगे आरसीबी की टीम को बीच आईपीएल में ही छोड़कर अपने कंट्री वर्ल्ड कप 2019 की तैयारियों के लिए। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आरसीबी की टीम को क्योंकि आरसीबी की टीम बाहर हो चुकी है आईपीएल 2019 के प्लेऑफ की दौड़ से और अब यहां से आरसीबी के 2 मुकाबले और बाकी हैं जिसमें बिल्कुल लीडर होकर खेलेगी आरसीबी की टीम और अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2019 की खराब परफॉर्मेंस की वजह से क्या आईपीएल 2020 में कई बड़े बड़े चेंजेस करती है या फिर नहीं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि टीम से कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उनकी जगह पर नए खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें।